इस इमेज में आपका ध्यान कहाँ पर बट रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब कहाँ पर आपका ध्यान जा बस रहा है पूरी इमेज में? अभी ये तो बस। पहला वाला था। हाँ तो पहले वाले जब इमेज में आप ध्यान दे रहे हो तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दोगे तब आपका एक्चुअल में जो देखने का नजरिया है वो अब यहाँ पे डेवलप होने वाला है, बिकॉज आपको वहां पर इक्वली इम्पोर्टेंस मिलेगा हर चीज को। इसके लिए कभी भी आप देखने से पहले कलर्स फिल्टर से मत देखिए। ऑलवेज ट्राई टू लुक इन विदाउट कलर फिल्टर, तब आपको कंपोजिशन, सब्जेक्ट, वो सारी चीजें दिखाई देंगी, बिकॉज नाउ यू आर गिविंग दैट एंटायर इंपॉर्टेंस टू ऑल द पर्टिकुलर चीज। करेक्ट, समझ में आया आपको? ये एक इमेज हमने देखा था। देन अब और भी एक दो इमेजेस हम लोग देखते हैं। जैसे अभी इस केस में फोकस कहां पर है? टाइप अब ये टेलीमैच जैसा है, वाइड हो गया ना वो, क्योंकि उसका हाथ तो इतना छोटा नहीं है। वो कब बहुत छोटा कब बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, वो बंदा बहुत छोटा दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ 18 mm। वो भी बहुत ज्यादा पास लेने की कोशिश किए हैं क्योंकि तो सब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा पास था। तो ये वाला अब क्या हुआ इसमें, अब यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा जो हाथ है वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है लेकिन पर्सन चौड़ा दिखाई दे रहा है। करेक्ट। अब उसके साथ में ये वाला शॉट, ये एक नॉर्मल है। अब यहाँ पर भी अगर मैंने वो फिल्टर यूज करने की कोशिश की थी, सो छोटा सा फोकस मुझे मिला, फोकस रेंज। अब यही ये शॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला डेप्थ ऑफ फील्ड का पूरा खेल है। अब यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा मिल रही थी मुझे। मैं सामने ग्रिल थी, उस ग्रिल से ये देख रहे हो आप, ये जो पर्सन है ना खड़ा हुआ, यही सब्जेक्ट है। करेक्ट। तो यहाँ पर से मैं इसका जो हाथ है वहीं पर से कैमरा से फोटो क्लिक करने के लिए देख रहा था, बट मुझे क्लिक नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ से एक बार शॉट देखा, मुझे नहीं समझ आ रहा है, प्रॉपर नहीं मिल रहा था, सेटिस्फाइड नहीं था। 135 mm फोकल लेंथ ले लिया एंड देन आई ट्राई टू ना क्लिक दिस पर्टिकुलर शॉट, तो पोर्ट्रेट शॉट मिला। बट द प्रॉब्लम इज, अब ये जो इमेज है पूरा का पूरा फ्लैट है, डायमेंशंस पता नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। देन आई टुक अनदर शॉट विच इज द वर्टिकल पोर्ट्रेट, जो आप देख सकते हो वर्टिकल पोर्ट्रेट में मैंने लिया हुए। सो नाउ अभी यहाँ पर मैंने ये शॉट इसे क्लिक किया है। अब आप ध्यान से इस शॉट को देखिएगा और इसको एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। ये एक 3D फोटो का ऐसा फील आ रहा है, इसमें आगे वो झुका हुआ फील दिख रहा है वो बंदा। ओके, करेक्ट। अब इसी इमेज को अगर मैं मोनोक्रोम में लेता हूं तो कैसे दिखाई देगा? सेम इमेज है, हम लोग इसको मोनोक्रोम में और थोड़ा सा कन्वर्ट करने की देखिए कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए रेड ग्रीन ब्लू जो है वो आपका यहाँ पर पूरा का पूरा चेंज हो गया सब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सेम इमेज हमने क्या किया, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में रखा एंड थोड़े से हाइलाइट्स एंड शेडोज जो है वो हमने चेंज कर दिए। सो नाउ दिस पर्टिकुलर इमेज इज क्रिएटिंग मोर डेप्थ एज पर द डेप्थ डेफिनेटली। ऑफ फील्ड का। एग्जैक्टली, तो पहले वाले इमेज के मुकाबले अगर आप देखोगे तो इस पे अब आपका ध्यान क्यों बट रहा डेप्थ है, शार्पनेस स्टोरी सब कुछ ज्यादा उसमें क्रिएट हो रहा है बेसिकली। पूरा चेंज हो गया ना, सस्पेंस क्रिएट हो गया। सो इन मॉडर्न वर्ल्ड फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट आपका जो है वो मिस्टी क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपका मिस्ट्री यहाँ पर ध्यान ठहर रहा है, आप आंखों पे देख रहे हो, फिर उसके कान के यहाँ पे देखोगे, फिर मूंछ के यहाँ पे देखोगे, आंखों में ज्यादा नाक जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने के बावजूद भी आपको ये जो नाक है ये आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है ऐसा। तो अभी यहाँ पर ये इमेज आपको इतना अच्छा लग रहा है या ये इमेज, आप मुझे बताइए कौन सा वाला आपको ज्यादा अपील करता है देखने के लिए दोनों में से? कौन सा वाला ज्यादा अपील करता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोर्सेस। राइट, यही होता है पूरा खेल जो आपकी देखने का नजरिया का है।
बिकॉज वो शॉट कैसा था, सारे लोग जो है वो कैप्चर कर रहे थे, वो ये चीज कैप्चर कर रहे थे, ये वाला जो और ना छोटा सा क्रिएटर है ना वैसा एकदम क्लोजअप जाके, बट एक्चुअल में जो पोर्ट्रेट हमको कहाँ पर मिला, सब लोग जाली को शूट करने की कोशिश कर रहे थे, बड़े वाले इमेजेस को क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो पोर्ट्रेट आप कैसे निकाल सकते हो, तो हमने उसमें से कौन सी इमेज निकाली, ये वाली, तो ये आपको हेल्प करेगा वैसा, करेक्ट? ये आपको समझ में आए, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज कैसे आप निकालते हो, कलर इमेज कैसे होती है? तो जब भी कभी आप कोई भी शॉट लोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सी इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसके बाद में आप उसके कलर जैसे चाहे चेंज कर सकते हो, रॉ पे क्लिक कर रहे हो तो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप शूट करते हो कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर से शूट करोगे, देन इट विल क्रिएट यू अ डिफरेंट एंटायर लुक फॉर योर इमेजेस।